दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। चीन में हालत काफी बिगड़ गए हैं और कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के कई मामले अब भारत में भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब देश के लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ये वायरस सबसे पहले फेफड़े यानी कि लंग्स पर अटैक करता है। अगर समय रहते ही इसका इलाज नहीं किया गया तो ये जानलेवा साबित हो रहा है। आपका लंग्स मजबूत रहे इसलिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। मजबूत इम्यूनिटी ही हमें कोरोना वायरस से बचा सकती है। इसीलिए अपने खान पान में उन चीजों को शामिल करें जो इम्यूनिटी बढ़ाने में असरदार होती है और आपके लंग्स को मजबूत बनाती है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताते हैं कि आप अपनी डाइट में किन फूड्स को शामिल कर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं। संतरा और आंवला। विटामिन सी से भरपूर संतरा और आंवला इम्यूनिटी बढ़ाने वाला फल है। इस सिट्रस फ्रूट्स को इवनिंग स्नैक में खाना सबसे अच्छा रहता है। आप आंवला का जूस बनाकर पी सकते हैं या उसका मुरब्बा भी खा सकते हैं। लौंग और हल्दी जैसे मसाले। हमारी किचन घर में मौजूद कई मसाले कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। इनमें हल्दी, हींग, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी जैसे मसाले हैं। इन मसालों में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी मजबूत बन सकती है। इन्हें दूध में डालकर या इन मसालों का काढ़ा बनाकर पिया जा सकता है। ब्रोकली। दोस्तों, ब्रोकली न केवल स्वाद में बेहतरीन है बल्कि ये सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर आप अपने लंग्स को हेल्दी रखना चाहते हैं तो डाइट्स में ब्रोकली को जरूर शामिल करें। ब्रोकली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो फेफड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में कारगर है। साथ ही इसका सेवन करने से स्टेमिना भी बढ़ जाता है। मेथी। खाने का स्वाद बढ़ाने के अलावा मेथी आपके फेफड़े के लिए बहुत फायदेमंद होती है। मेथी का सेवन करने से लंग्स में संक्रमण का खतरा कम रहता है। इसके साथ ही छाती में जमे कफ को बाहर निकालने में मेथी कारगर है। मेथी का सेवन आप चाय में डालकर भी कर सकते हैं। अजवाइन का काढ़ा। अजवाइन एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर है। इसका काढ़ा कोरोना में पीना बेहद फायदेमंद होगा क्योंकि ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। काढ़ा बनाने के लिए एक पेन में अजवाइन, तुलसी के पत्ते, काली मिर्च और लहसुन को कूटकर एक कप पानी डालें और इसे कुछ समय तक पकाएं। जब यह पक जाए तब इसमें शहद डालकर पिएं। काढ़ा बनाते समय उसमें शहद ना डालें, अधिक गर्मी शहद के औषधीय गुणों को खत्म कर देती है। जल्दी राहत पाने के लिए इस काढ़ा को दिन में 2 बार पिएं। ड्राई फ्रूट्स। विटामिन ई, प्रोटीन और हेल्दी फैक्ट्स से भरपूर सूखे मेवे स्नैक्स के रूप में खाए जा सकते हैं। बादाम, काजू, अखरोट और किशमिश रोजाना खाने पर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। इसके साथ ही ये आपके फेफड़ों से संबंधित बीमारियों से भी बचाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही इस वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, अपने आसपास और घर की साफ सफाई रखें, गंदे हाथों से अपने नाक और मुंह को ना छुएं और ना ही गंदे हाथों से कुछ खाएं।